गाजीपुर जनपद के करंडा क्षेत्र का लालनपुर आंगनबाड़ी केंद्र। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में इस बिल्डिंग की हुई और आप देख सकते हैं कि इस समय घड़ी में 11:30 हो रहा है और जो अध्ययन केंद्र है उस केंद्र में ताला लगा हुआ है। और बात करें अगर रसोई घर या स्टोर की तो वो भी बंद है। और इस केंद्र पे सरकार द्वारा इस उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई कि इस केंद्र के माध्यम से गरीब तबका कि जो महिलाएं हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बच्चे हैं या सरकार की जो भी फलीभूत योजनाएं हैं उसका लाभ जो है आम जनमानस को दिया जा सके। लेकिन इस केंद्र का यहाँ के लोग कोई लाभ नहीं पाते हैं, जबकि इस केंद्र से गर्भवती महिलाओं को 0 से 6 माह के बच्चों को और 1-6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा दीक्षा और कुपोषण तक की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के जिम्मे सरकार द्वारा जिम्मेदारी प्रदान की गई है। लेकिन क्या इसका धरातल पे उपयोग हो रहा है? अगर नहीं तो क्यों? सवाल बहुत ही अहम है। आइए इस बाबत यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं क्या बताते हैं यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या आपका? ये जो आपके बगल में आंगनबाड़ी केंद्र जो बना हुआ है, ये कभी देखे हैं इस पे कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वगैरह को? आपके सामने देख लीजिए। नहीं, हम तो देख रहे हैं, इसमें ताला बंद है। कितना समय हो इस समय है? कितना समय हो रहा है? 11:30 बज रहा है। तो सरकार की योजनाओं का धरातल पे कोई लाभ इस गांव के लोगों को मिल रहा है? तो कोई लाभ नहीं मिला। क्या नाम बाबू? राहुल यादव। राहुल किस क्लास में पढ़ते हैं? किस गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये जो आंगनबाड़ी जो आपका केंद्र बना हुआ है, ये सन 2019 से बना हुआ है। अरे 2019 कह रहे हैं, तो ये 2019 से जब बना है तो अब तक कभी इसमें आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या किसी को देखे हैं? बंदी है, हमको शायद लगा कि 1 महीना चला हुआ साल में आए थे बच्चे, हाँ। 1 ही महीने उसके बाद बंद है। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं।